हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीतीश राय व्लॉग। और आज के इस व्लॉग में हम आ चुके हैं अभी नौका विहार पे, और मेरे इस चैनल पे नौका विहार का कोई वीडियो नहीं आया था, तो अभी फिलहाल हम हैं नौका विहार पे। और सबसे पहले आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि बहुत दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि अभी गोरखपुर में हर जगह पूरा बाढ़ आया हुआ है। तो जो मैं गाँव में रहता हूँ, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो ज़रूर जानते होंगे जो मुझे पहले से देखते आ रहे हैं, तो मेरे गांव में पूरा चारों तरफ से पानी भर चुका था, जिसके वजह से गांव से सिटी आ नहीं पा रहा था और व्लॉग रुक गया था। तो अब जो व्लॉग हैं वो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो अभी मैं आया हूँ नौका विहार पे, और पीछे जो देख रहे हैं ये है, यहाँ रामायण का कॉन्क्लेव होने वाला है। जो अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला है उसी से रिलेटेड यहाँ रामायण कॉन्क्लेव बनने वाला है। तो अभी मैं आया हूँ अनिकेत भाई के साथ, और अनिकेत भाई के मैंने फ़ोन किया सुबह कि आज व्लॉग शूट करने चलना है, तो अनिकेत भाई आ गए। और अनिकेत भाई, इनका एक यूट्यूब चैनल है एवी ब्लॉग्स, और जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं और एवी ब्लॉग्स को नहीं जानते, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर इनको जानते हैं, तो जो नहीं जानते इनके चैनल पर विजिट कर, बहुत शानदार ब्लॉग बनाते हैं। और अनिकेत भाई बोलो कुछ। मैं भाई अपने बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, मैं अपने बारे में इसलिए कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा लिंक भाई दे देंगे, आप लोग देखना, अगर अच्छा लगेगा तो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लोगे आप लोगों का, जान रहा हूँ भाई। जो कंसिस्टेंसी की बात होती है ना, मुझे इनसे सीखना चाहिए। थैंक यू भाई, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कभी कंसिस्टेंस वीडियो डाला ही नहीं, मैं रेगुलरिटी रखा ही नहीं, मैं कभी कभार रख देता हूँ फिर वैसे ही मूड हो जाता है। मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं सिनेमैटिक बनाना चाहता हूँ, डेली व्लॉगिंग में करना नहीं चाहता, और ये जो भाई है डेली व्लॉगिंग में आ गया है, दो दो तीन तीन दिन पे वीडियो डालता था, अब डेली डालता है। एक हफ्ते से इसका तबीयत खराब था तो रेगुलरिटी एकदम खत्म कर दिया, लेकिन अब से ये करने वाला है डेली व्लॉगिंग, अब मैं आ गया हूँ ना तो जब दो यूट्यूबर साथ में मिलते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि बोलने को कुछ नहीं रहता, बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, लेकिन काम की बातें बोलने तो ज्यादा अच्छा लगता है नहीं। तो इनका जो यूट्यूब चैनल है एवी ब्लॉग्स, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके इनको सब्सक्राइब जरूर करें। और भाई ने ही मेरा चैनल जो है सबसे पहले स्टार्ट कराया था, जब मुझे चैनल बनाने भी नहीं आता था, और भाई ने मुझे चैनल बना के दिया। बहुत सपोर्टिंग है और बहुत सपोर्ट किए हैं, हमेशा सपोर्ट करते आए हैं भाई। कोई सीख तो नहीं आता है, सब यहीं पे सीखते हैं। आज मैं तुमको बताया, कल तुम किसी और को बताओगे, सही बात है कि नहीं? सही है भाई। तो थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगा जैसे जैसे तुम ब्लॉगिंग करोगे, तुमको यूट्यूब के बारे में भी पता चलेगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में भी पता चलेगा। तो मैं भी पहले जीरो था, लेकिन अब क्या है थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा हो गया, ज्यादा नॉलेज इन द सेंस मतलब कि अभी मैं यूट्यूब के बारे में सिर्फ 5% जानता हूँगा, ठीक है? तो ये मेरे कहने का मतलब था, बाकी अब नीतीश भाई सीख रहे हैं तो इनसे आपको नए नए व्लॉग्स और नए नए सिनेमैटिक चीजें देखने को इनके चैनल पे मिलेंगी, तो सब्सक्राइब कर लेना। जो आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे होगे, तो मेरे वीडियो पे उतने सिनेमैटिक्स नहीं मिलते, लेकिन भाई बहुत अच्छा सिनेमैटिक करते हैं, जितना इनको एडिटिंग का नॉलेज है काफी अच्छा करते हैं। आप लोग विजिट करें, और इन्होंने एक सिनेमैटिक के लिए खास वीडियो बनाया हुआ है, वो जरूर देखें, मुझे काफी पसंद आता है वो वीडियो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी मैं और अनिकेत भाई चलेंगे नौका विहार, और वहाँ आपको नौका विहार घुमाते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे अभी तक नौका विहार का वीडियो नहीं आया है, हालांकि मैं रहता गोरखपुर यहीं पे भाई, एकदम बगल में भाई, पैडलीगंज, आप लोग नाम सुने हो, पैडलीगंज में रहते हैं, और नौका विहार का वीडियो आज तक नहीं आ पाया। अनिकेत भाई के चैनल पे बहुत सारे दो तीन वीडियो आ चुके होंगे, दो तीन वीडियो नौका विहार के आ चुके, और ये आज शायद एक और आएगा, कल आज एक और आएगा। तो भाई के चैनल पे विजिट करें और मेरे भी वीडियो को देखें। और तो चलिए अभी चलते हैं नौका विहार, और वहाँ का धूप है यार, शानदार ब्लॉगिंग दिखाते हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं धूप में, आपने थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ नीतीश भाई को, पसीना आ रहा है बहुत सारा, और आप लोगों का प्यार बना रहे हैं, तो एक दिन जरूर हम लोग सक्सेस होंगे यूट्यूब को लेके। और अनिकेत भाई के चैनल पे जाओ, क्योंकि बहुत दिन से ब्लॉगिंग करते हैं और काफी अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं। तो चलते हैं आगे, तो अभी चलते हैं आगे और आपसे मिलते हैं नौका विहार। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नौका विहार पे, और आपको आगे का सीन दिखाते हैं, और यहाँ काफी मजा आता है भाई, यहाँ नौका विहार में अगर आप कूल फील करना चाहते हो गोरखपुर में तो यहाँ जरूर आओ। और अभी कुछ सिनेमैटिक शॉर्ट्स बना रहे हैं अनिकेत भाई, तो अभी आपको नौका विहार का पूरा दिखाते हैं, और काफ़ी शानदार व्यू आता है, और आपको इस वीडियो में सिनेमैटिक शॉर्ट भी देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे का व्यू शूट करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे लहरें चल रही हैं अच्छी खासी, और पानी काफ़ी बढ़ चुका है, और बहुत गंदा पानी, स्मेल बहुत अजीब सा स्मेल आ रहा है,
जो कि बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन ब्लॉग बनाना है इसीलिए सब बर्दाश्त करना पड़ता है। और देख सकते हैं काफ़ी शानदार व्यू आ रहा है यहाँ से। दोपहर के टाइम में अभी थोड़ा सा बादल लगा हुआ है, जिसके वजह से उतना धूप तो नहीं है, लेकिन व्यू जो है काफ़ी शानदार आ रहा है यहाँ से। और अभी हम चलेंगे वहाँ पे जो मेन स्पॉट है, उसको आपको दिखाएंगे वहाँ जाके। और अभी देखिए यहाँ का व्यू, काफ़ी शानदार व्यू आ रहा है यहाँ का। रामगढ़ ताल में बोटिंग हो रही है, लेकिन जो पैडल वाला बोट है उसका भी बंद किया गया है, क्योंकि यहाँ पे मगरमच्छ देखा गया था जो कि चिड़ियाघर से निकल के इस ताल में आ गया था। इसी वजह से यहाँ पे बोटिंग अभी, पैडल बोट बंद है, लेकिन जो इंजन से जो बोट चलता है, स्टीमर जिसे कहते हैं, वो अभी चल रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं। और यहाँ पे देखना, बच्चों के लिए रखा हुआ है, रिमोट वाला कार है, अब यहाँ अभी बच्चों को खेलने के लिए पूरा रखा हुआ। शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ पे आके, देख सकते हैं। और यहाँ पे आके आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो, आप पीछे देख सकते हो शॉपिंग की सब जो सामान है आप खरीद सकते हो। और बच्चों के खेलने के लिए भी काफ़ी जो कार होता है रिमोट से चलने वाला, वो रखा गया है। और काफ़ी शानदार लग रहा है, दोपहर है, धूप है, बहुत गर्मी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा मजा आ रहा है भाई, आके थोड़ा चिल फील हो रहा है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं, डेडिकेशन को सपोर्ट करो थोड़ा सा, लाइक करके और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और साथ में अनिकेत भाई भी वीडियो शूट कर रहे हैं, वो भी वीडियो डालेंगे, उनके चैनल पे आप जाएं और इनके वीडियो को देखें, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी फिलहाल चलते हैं, आपको आगे का सीन दिखाते हैं, काफ़ी शानदार है। और ये रहा तिरंगा झंडा, भाई देख रहे हैं सारा यहाँ बच्चों के, मतलब सबके लिए, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए भी। नौका विहार का जो फेमस स्पॉट है, जहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, तो यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे सुनने में आ रहा है कुछ ऐसा कि कुछ दिन पहले मर्डर करके किसी को फेंक दिया था, और अनिकेत भाई आए हैं। और ये मेरा यहां काम यहाँ पे खत्म हो गया है, जो चीज में पता करने आया था वो काम खत्म मेरा। और जो ये पता करने आते हैं, इनके चैनल पे देखिए, काफी इंटरेस्टिंग चीज वो पता करने आए थे, आप इनके चैनल पे विजिट कीजिए। मैं पब्लिक में जाके लोगों से पूछा हूँ, रिकॉर्ड किया हूँ वीडियो, तो आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा। तो आइए आपको घुमाते हैं जो यहाँ का फेमस स्पॉट है, यहाँ से लोग नौका विहार का पूरा मजा लेने आते हैं, घुमाते हैं। It's hard to breathe, but that's alright. अभी यहाँ पे क्या है, आपने जो वीडियो देखा पूरा, और यहाँ मैंने सिनेमैटिक शॉट इसलिए मैं डाला हूँ क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में यहाँ पे साउंड चल रहे हैं, म्यूजिक चल रहे हैं, जिसके वजह से आपको भी पता है यूट्यूब के रोल कितने स्ट्रिक्ट हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक का इशू आ सकता है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से, और ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और अनिकेत भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट की वजह से ही हम लोग यूट्यूब से सक्सेस हो सकते हैं भाई। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो ना, तो हमको मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट जरूर करें भाई, आपके कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो काफ़ी कमेंट करें। और चलिए चलते हैं, इस ब्लॉग को करते हैं एंड।